महाराष्ट्र में फिर से नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में जहां 8 तो वहीं दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 61 मामले सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रही हैं और ओमिक्रॉन किस तरीके से उसका संक्रमण लगातार फैल रहा है। तो तेजी से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में फिर से नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में 4 नए मामले मिले हैं। अब तक की अगर बात कर रहे हैं तो अब तक 61 केस मिल चुके हैं, जिसमें दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 28 केस हो चुके हैं और दिसंबर में ही राजस्थान में 17 केस हो चुके हैं। और अगर बात कर्नाटक की करें तो 3 मामले और गुजरात में बात करें तो 1 मामले और केरल में 1 मामले। गुजरात में 4 और केरल में 1 मामले है। ये सभी मामले फिलहाल दिसंबर के महीने में ही आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 1 केस सामने आ चुका है। दिल्ली में 6 संख्या पहुंच चुकी है और चंडीगढ़ में भी इसकी संख्या 1 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 28 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 17 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस है और महाराष्ट्र में लगातार ये संक्रमण बढ़ भी रहा है। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केस बढ़े हैं, वैसे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 4 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें से 1 मरीज की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स LNG पे भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया, 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुके हैं। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से कर सके। 4 और कन्फर्म हुए कल जो हुए थे, उसमें से अभी 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब विदेश से आए और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। अभी तक तो कंट्रोल में है, अगर ये फैलता है तो जरूर सरकार देखेगी इसको। अभी देखिए 6 केसेस अभी तक आए हैं और अभी तक कम्युनिटी से कोई केस नहीं आया है।